Hello and welcome to our next lecture, that is continuity. Continuity in an interval. Last time we studied the continuity at a point, but in today's lecture we will study that continue. What do we mean by continuity in an interval? Suppose f of x is a function defined in an interval a comma b, then f of x is said to be continuous in the interval a comma b. If it is continuous at each point lying inside the interval a comma b, including the endpoints a comma b, मैं कहूँगा मेरी फंक्शन जो है f of x ये तभी कंटिन्यूस होगी एक इंटरवल में a comma b में अगर ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगी जो रहता है इन बिटवीन द इंटरवल a comma b, including the endpoints a comma b, because my interval is the closed interval. Because I have taken the endpoints a comma b also, so मेरी जो फंक्शन है including at the endpoints, it must be continuous inside each and every point. तब मैं कहूँगा मेरी जो फंक्शन है it is continuous in the interval a comma b. Likewise, अगर मैं बात करूँगा real line की, मैं कहूँगा मेरी फंक्शन real line पर continuous है, वो तभी real line पर continuous होगी जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे रियल लाइन पर और वो फंक्शन उस हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगी. कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि देर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ आर, बिकॉज फॉर एनी रियल नंबर वी हैव. अब अगर मैं कह रहा हूँ मेरी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इट इज कंटिन्यूस ऑन द होल ऑफ द रियल लाइन, दैट मीन्स जो कोई भी पॉइंट रियल लाइन पर होगा हर एक पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए. सो आई विल टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट लाइंग ऑन द इंटरवल और लाइंग ऑन द रियल लाइन आर, एट दिस आर्बिट्री पॉइंट आई विल शो दैट माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस. आप पूछेंगे सर कैसे हमें पता चलेगा, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, हमें ऐसे पता चलेगा हमारी फंक्शन कंटिन्यूस है इट इस पॉइंट पर जब लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब अगर मैं लिमिट लूंगा चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो वो तो एक ही बात है. अब देख लीजिए यहां पर दोनों लिमिट सेम आएंगे, इंडीड लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के बदले मैं लिखूंगा एक्स, बिकॉज माई एफ ऑफ एक्स इज एक्स. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स इज इक्वल टू, जब मैं एक्स का वैल्यू दूंगा ए, ये तो ए बन जाएगा. मोर ओवर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, जब मैं एक्स का वैल्यू ए दूंगा बनेगा एफ ऑफ ए, तो आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ए से, बिकॉज एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ए, तो मेरे पास जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है वही वैल्यू आता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए. सो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस आर्बिट्री पॉइंट आई एम गेटिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. दैट मीन्स माई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दिस आर्बिट्री पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस वॉज एनी रियल नंबर लाइंग ऑन द रियल लाइन. Since this was any arbitrary point, so whatever is true with this point, that is true with every point lying on the real line. Arbitrary number का यही मतलब होता है, जो कुछ उसके साथ सच होता है, that property holds with every element belonging to that set. So मेरे पास अभी जो set है, that is the set of real numbers, उसमें से मैंने एक point ले लिया है, x is equal to t, और इस point पर मेरी जो function है, वो continuous आ रही है. So that means my function is continuous at every real number lying on the real line. That means my function is continuous for the real line. Yeah, main keh sakta hu meri jo function hai f of x, it is continuous. It's a continuous function. Aur aap dekh bhi sakte hain jab hum f of x is equivalent to x ka graph draw karte hain, wo ek straight line aati hai passing through origin. Aur us straight line par aap dekhenge koi bhi break nahi hai. यहाँ से वहाँ तक मतलब वो तो एक्सटेंड होती जाती है डायगनली और कोई ब्रेक नहीं आ रही है. जब कोई ब्रेक नहीं आ रही है तो मैं कहूँगा मेरी फंक्शन कंटिन्यूस है. सो ग्राफ से भी पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस. सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा ई पावर एक्स की, मैं ग्राफिकल बिहेवियर ही लूँगा,
ई पावर एक्स की और एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, मैं कह रहा हूँ मेरी ये जो फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूस। अब आप इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। जब मैंने आपको ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस पढ़ाया है तो उसमें मैंने इसका ग्राफ भी ड्रा किया है, आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया है वो इस तरह आता है, इट कम्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंड्स अप एंड एंड्स एट प्लस इन्फिनिटी। और आप देख रहे हो कोई भी ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट ई पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट ई पावर एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम याद रखेंगे, आगे इनसे बड़े सवाल सॉल्व हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू पेज नंबर टू, अब बात आ जाती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाकी जो फंक्शंस मेरे पास हैं, मिसाल के तौर पर आई विल टेक द फंक्शन ई पावर एक्स, मैं नहीं लूंगा ए पावर एक्स लूंगा, और जो हमारे पास ए होता है इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, ये कंटिन्यूस होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स चाहे कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर। और अगर उसके बाद मैं बात करूँगा साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए यहाँ पर है जो मैंने बनाया। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह आता है, इट इज़ अ साइनोसाइडल वेव जिसको हम कहते हैं, इट कम्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंड्स एट प्लस इन्फिनिटी। और जब ये ग्राफ चलता रहता है हार्मोनिक्स में इस तरह चलता रहता है तो कोई नहीं कह सकता है सर ग्राफ में कोई ब्रेक है, इसके ग्राफ में कोई ब्रेक आ ही नहीं रही है। तो आप गेस कर सकते हो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन होल ऑफ द रियल लाइफ। अभी मेरे पास जो इंटरवल है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो कि पूरी रियल लाइन है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगेन जो उसका ग्राफ आता है वो साइनोसाइडल वेव, वो इस तरह एक वेव आती है, कम्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंड सेट प्लस इन्फिनिटी। There is no break in the graph of the function. When there is no break in the graph of the function, that means f of x is equivalent to cos x is continuous everywhere. So we will remember a power x, sin x, cos x, ये पूरी real line पर continuous है. There is no point of discontinuity. चलिए आगे. tan x की बात करें. tan x की मैं बात करूँगा. f of x is equivalent to tan x is continuous for all x belonging to real line minus y. y values are those values where y is equivalent odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 times pi by 2. Because जब मैं ये values दूंगा, n का value अगर मैं 0 दूंगा, n is an integer, ये बनेगा pi by 2. tan of pi by 2 is undefined. Because at x is equivalent to pi by 2, the graph of the tangent function, आप देख लीजिए ये है ग्राफ टेंजेंट फंक्शन का, बट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू आप देख लीजिए ग्राफ में ब्रेक है कि नहीं, ग्राफ में ब्रेक है। थ्री पाई बाई टू पर ग्राफ में ब्रेक है, माइनस पाई बाई टू पर ग्राफ में ब्रेक है। सो अगर मैं थ्री पाई बाई टू लूंगा ग्राफ में ब्रेक है, वन पाई बाई टू लूंगा ग्राफ में ब्रेक है, फाइव पाई बाई टू लूंगा ग्राफ में ब्रेक है, माइनस फाइव पाई बाई टू लूंगा ग्राफ में ब्रेक है। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 माय टेंजेंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इन अदर वर्ड्स 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जब मैं पाई बाई 2 के सामने रख 3 जब मैं पाई बाई 2 के सामने रखूंगा, 1 जब मैं पाई बाई 2 के सामने रखूंगा, 5 जब मैं पाई बाई 2 के सामने रखूंगा, मतलब जब मैंने पाई बाई 2 के सामने ऑड नंबर रखा तो उस वक्त जो मेरी टेंजेंट फंक्शन है उसके ग्राफ में ब्रेक आता है। सो जब मैंने ऑड नंबर रखा, ऑड नंबर 3 था, 1 था, तो ये जो मेरे पास 2n प्लस 1 है ये हमेशा ऑड नंबर होगा, इसीलिए मैंने इसको ऑड नंबर लिखा पाई बाई 2 के सामने। जब मैं n का वैल्यू कुछ भी दूं ये हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। आप n का वैल्यू 2 दे दो, 2 इंटू 2 दैट्स 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 पाई बाई 2। एट 5 एट x इज इक्वल टू 5 बाई 2 tan x इज undefined. तो at odd multiples of pi by 2, tan x is undefined. So इसलिए मैंने कहा है कि सारे real values चलेंगे but odd multiple of pi by 2 नहीं चलेंगे।
उन पर जो मेरी टेंजेंट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होंगी, या द डिसकंटिन्यूस ऑफ द टेंजेंट फंक्शन आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, अदरवाइज बाकी जगह पर ये तो कंटिन्यूस दिख रही है। सिमिलरली कॉटेक्स की बात अगर मैं करूंगा, कॉटेक्स इज द रिस्प्रोकल ऑफ टेन एक्स, कॉटेक्स अब वहां पर अनडिफाइनड बनेगी जहां पर नीचे जीरो होगा, बिकॉज वन बाई जीरो इज अनडिफाइनड। कॉटेक्स वहां पर डिसकंटिन्यूस होगी जहां पर टेन एक्स होगी होगा जीरो, बिकॉज वन बाई जीरो इज अनडिफाइनड। और हमें पता है टेन एक्स जीरो है तभी जब एक्स का वैल्यू होगा एन पाई, एन का वैल्यू जीरो दे दो, टेन ऑफ जीरो इज जीरो, वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइनड, सो कॉट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइनड, सो कॉट ऑफ जीरो इज अनडिफाइनड, सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देर इज डिसकंटिन्यूटी। जब मैं एन का वैल्यू दूंगा वन तो बनेगा पाई, टेन ऑफ पाई इज जीरो, वन बाई जीरो इज अनडिफाइनड, सो कॉट ऑफ पाई बनेगा वन बाई टेन पाई इज जीरो, सो कॉट पाई की सिंगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटी आएगी टेन पाई, because tan pi is 0, 1 by 0 is undefined. Likewise, आप n का value minus pi दे दो, tan of minus pi is again 0, 2 pi दे दो, tan of 2 pi is 0, तो नीचे जब 0 आ जाएगा, उस वक्त जो मेरा cot of x है, ये discontinuous हो जाएगा, because 1 divided by 0 is not defined. So, cot x की singularities या discontinuities क्या आ जाएंगी? वो वैल्यूज जो होंगे मल्टीपल्स ऑफ पाई, चाहे वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, एन का वैल्यू जब मैं 0 दूंगा 0 भी डिसकंटिन्यूटी आएगी। इनके बगैर और कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं, इनके बगैर बाकी वैल्यूज चलेंगे। तो आप कह सकते हो कॉट ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ी है, मतलब फंक्शंस जो इससे पहला वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली फंक्शन, मगर उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स तो 1 बाई साइन एक्स होगा, तो जहां पर साइन एक्स जीरो बनेगा कोसेक एक्स को उधर खतरा है डिसकंटिन्यूटी का। साइन एक्स जब जीरो बनता है तब एक्स का वैल्यू होता है एन पाई, बिकॉज साइन ऑफ एन पाई इज जीरो, तो कोसेक एक्स की जो डिसकंटिन्यूटीज आ जाएंगी वो आएंगी एन पाई, जीरो आ जाएगा, प्लस पाई आएगा माइनस पाई आएगा, प्लस टू पाई आएगा माइनस टू पाई आएगा, प्लस थ्री पाई आएगा माइनस थ्री पाई आएगा, तो दीज विल बी द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ कोसेक एक्स, बाकी जगह पर ये कंटिन्यूस होगा इन वैल्यूज के बगैर। सो आपको ये चीजें याद रखनी है। Likewise, secant x is not continuous at odd multiples of pi by 2 again. तो यह आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज secant x will be equivalent 1 divided by cos of x. तो cos x वहां पर 0 बनेगा जहां पर x होगा odd multiple of pi by 2, because cosec of 90, cos of 90 degree is 0, so 1 by 0 is undefined. So secant of pi by 2 is undefined. Likewise, बाकी जगह पर जो odd multiples of pi by 2 होंगे वहां पर जो आपका secant x है it will be undefined. Greatest integer value of x. Now with this guy you are familiar. What do we mean by greatest integer value of x? For example, agar main kahunga greatest integer value of 3.5, what is that? 3. Greatest integer value of 2.5, what is that? 2. Greatest integer value of 2.9, what is that? 2. Greatest integer value of minus 2.9, that's minus 3. Ye maine practice bhi karwai hai aap logon ko, 11th mein bhi karwai hai aur 12th mein bhi karwai hai. 11th में भी ग्राफ पढ़ाया और 12th में भी ग्राफ पढ़ाया। अभी आप देख लीजिए इसका ग्राफ इस तरह आता है, जब एक जीरो से लेकर वन तक चला जाएगा तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है इन सभी वैल्यूज का जीरो से लेकर वन तक वो जीरो ही आ जाएगा। मीन्स अगर मैं वॉय रखूंगा एफ ऑफ एक्स के बराबर, जब एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर वन तक आ जाएगा कोई भी वैल्यू, पॉइंट वन का वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो, तो वही इस वक्त जीरो आएगा, वही जीरो होता है ऑन द एक्स एक्सिस, मींस यही वैल्यूज आ जाएंगे।
ये वैल्यूज आ जाएंगे। फिर जब मैं एक्स का वैल्यू 1 दूंगा, वाई का वैल्यू 0 नहीं, वो 1 आ जाएगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 इज 1। फिर 1.5 दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.5 इज 1, यही वैल्यू आएगा। 1.9 उसका भी यही वैल्यू आएगा, 1 से लेकर 2 तक यही वैल्यूज आ जाएंगे। मगर जो ही मैं x का वैल्यू 2 दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 इज 2, तो 1 नहीं आएगा, तो ग्राफ जंप करेगा। हॉलो सर्कल का मतलब मैं 1 नहीं ले रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ। तो लाइकवाइज लेफ्ट पार्ट भी इसका ऐसे ही है, मैंने आपको ग्राफ समझाया इसका। मगर मैं कह रहा हूँ एट इंटीग्रल पॉइंट्स आप देख लीजिए, देर इज ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एट x इज इक्वल टू 2, देर इज ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एट x इज इक्वल टू -1, देर इज ब्रेक। एट x इज इक्वल टू -2, देर इज ब्रेक। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। जो हमारे इंटीजर्स हैं वहां पर जो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है, इट इज नॉट कंटिन्यूस देयर। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के बदले में लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस मीन्स वो वैल्यूज जो 1 के करीब आएंगे थ्रू लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल 0.9, इट इज क्लोजर टू 1 बट थ्रू द लेफ्ट साइड। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, वो तो 0 आ जाएगा। लाइकवाइज 0.99, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आएगा। तो जब एक जाएगा 1 के ओर थ्रू लेफ्ट साइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज 0। लाइकवाइज राइट हैंड लिमिट में देखता हूँ, जब एक जाएगा 1 के ओर थ्रू दोज वैल्यू आर ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 1। आप पूछेंगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.1 की बात करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.1 इज 1। 1.2 की बात करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.2 इज 1। तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज 0, राइट हैंड लिमिट है दैट इज 0। पहले तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वलेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब मेरे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है? योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वलेंट राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस हो सकती है? और ग्राफ भी बता रहा है जो हमारी फंक्शन है, एट इंटीग्रल पॉइंट्स देयर इज ब्रेक, एट एक्स इज इक्वलेंट 1 देयर इज ब्रेक, एट एक्स इज इक्वलेंट 0 देयर इज अगेन ब्रेक, एट एक्स इज इक्वलेंट 1 देयर इज ब्रेक, एट एक्स इज इक्वलेंट 2 देयर इज ब्रेक। So at the integral points there is break in the graph of the function, therefore the greatest integer function is not continuous at the integral points. चलिए भाई आगे पेज नंबर 4 पर। मगर मैं कह रहा हूं अब जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट है वहां पर तो ये कंटिन्यूस है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर मैं दिखाऊंगा इट इज कंटिन्यूस। ये आपको एक थ्योरम भी आ सकती है, उसका छोटा सा प्रूफ इस तरह आ सकता है, show that the function is discontinuous at the integral points, greatest integer value function, but it is continuous at the show that the greatest integer value function is continuous at non-integral points, but it is continuous at the non-integral points, but it is discontinuous at the integral points. Suppose x is equal to a is a non-integral point. मिसाल के तौर पर अगर मैं 2.5 की बात करूंगा, ये नहीं है एक इंटीजर, ये हम सबको दिख रहा है इट्स अ डेसिमल नंबर, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नो लॉन्गर ए डेसिमल पॉइंट, नो लॉन्गर एन इंटीजर। मगर अगर मैं 2.5 की बात करूंगा, ये रहेगा 3 और 3 माइनस 1 के दरमियान, बिकॉज 2.5 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। लाइकवाइज अगर मेरे पास कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट होगा ए, इट विल लाई बिटवीन के माइनस वन एंड के, वेयर के इज एन इंटीजर। जिस तरह मैं कह रहा हूँ 2.5 इट इज अ नॉन इंटीग्रल पॉइंट, इट विल लाई बिटवीन 3 एंड 3 माइनस 1, बिकॉज 2.5 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। लाइकवाइज 4.1 इट लाइज बिटवीन 3 एंड 4, या मैं कह सकता हूँ 4.1 इज ग्रेटर देन 3, 4 माइनस 1 लेस देन 4। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट है ए, it lies between k minus 1 and k, where k is any integer. तो जब मैं f of x लूंगा greatest integer value of x, अभी आप देख लीजिए limit extending a minus f of x, पहले मैं left hand limit देखूंगा कितना आएगा।
limit x tending to a minus greatest integer value of x, because f of x is greatest integer value of x. जब मैं a के ओवर जाऊंगा थ्रू दोज वैल्यूज आर लेसर देन a, मतलब मैं a की विसिनिटी में ही रहूंगा, दूर नहीं चला जाऊंगा, a की विसिनिटी में ही रहूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2.5 के करीब आऊंगा थ्रू द लेफ्ट साइड, फॉर एग्जाम्पल 2.4 2.5 के करीब है, आप मुझे बताइए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 2.4 का. लाइकवाइज अगर मैं k के करीब जाऊंगा, a के करीब जाऊंगा थ्रू दोज वैल्यूज आर लेसर देन a, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, जो स्टेप डाउन में इंटीजर है, दैट्स k माइनस 1. जिस तरह 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 2, 3 माइनस 1. 2.3 का, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 3 माइनस 1. तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ. तो k माइनस 1 आएगा, या आप k a के करीब आएगा राइट साइड में. फॉर एग्जाम्पल 2.5 के करीब मैं आऊंगा राइट साइड में, 2.6 में लूंगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 2 ही, नॉट 3. 2.61, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 2, नॉट 3. लाइकवाइज अगर मैं a के करीब जाऊंगा थ्रू दोज वैल्यूज आर ग्रेटर देन a स्लाइटली, उनका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा k माइनस 1 ही. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज k माइनस 1, राइट हैंड लिमिट इज k माइनस 1. ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a. f of x is equivalent to greatest integer value of x. Therefore, f of a is greatest integer value of a. f of a is greatest integer value of a. वो तो k minus 1 आएगा. Because अगर मैंने 2.5 लिया है बीच वाला नंबर, इसका greatest integer value क्या आएगा? वो तो 2 आएगा ना? या 3 minus 1 जिसको मैं कह रहा हूँ. Likewise, a का greatest integer value कितना आएगा? k minus 1. k minus 1 आ रहा है. लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी वही आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही आ रहा है. मैं कह सकता हूं दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लेफ्ट हैंड लिमिट भी k माइनस 1, राइट हैंड लिमिट भी k माइनस 1, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी k माइनस 1. तो मैं ये नहीं कह सकता हूं दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि a कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट था उस पर मुझे मिल रहा है लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. दैट डज मीन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट. देयरफॉर ए वाज एनी नॉन इंटीग्रल पॉइंट, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर मेरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, बिकॉज ए वाज एनी आर्बिट्री पॉइंट. So f of x is continuous at non-integral points, but it is discontinuous at integral points. अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, show that f of x is discontinuous at integral points. You take any counter example, जिस तरह मैंने पीछे x is equivalent to 1 पर left hand limit और right hand limit ले लिया. और जब आपको prove करना होगा तो prove करना इस तरह है, non-integral points पर अगर दिखानी होगी it is continuous, तो इस तरह दिखाना है, जो मैं आपके सामने explain कर रहा था. Likewise, f of x is the smallest integer function. For example, अगर मैं 3.5 लूंगा, उसका smallest integer क्या आएगा आप guess करो. That will be equivalent to 4, जिसको हम ceiling function भी कहते थे. ये मैंने आपके साथ discuss किया है, ये भी discontinuous है at integral points, but it is continuous at the non-integral points. वो आप देख लो खुद, that's an exercise for you people. Now coming to page number 5. On the page number 5, मैं कह रहा हूं जो मेरी f of x is equivalent to mod x है, it is continuous for all values of x. There is no break in the graph of the function. Likewise, f of x is equivalent to log x. It is continuous in its domain of definition. 0 to infinity, because f of x is equivalent to log x is defined when x is a positive real number, x is greater than 0, 0 to infinity. तो इस domain में ये continuous है, ये इसका graph है, तो graph में कोई भी break नहीं है, graph इस तरह चलता रहता है, there is no break in the graph of the function. और हमने observe किया था, अगर हमारे पास दो continuous functions होती है, उनका sum भी continuous होता है, उनकी difference continuous है, उनका product continuous है, उनका quotient continuous है.
ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी दैट इफ एफ कमा जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस एट सम पॉइंट, या अगर पूरे में ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं पूरी रियल लाइन पर, तो इनका सम भी रियल लाइन पर कंटिन्यूस आएगा, इनकी डिफरेंस भी रियल लाइन पर कंटिन्यूस आएगी, इनका प्रोडक्ट भी रियल लाइन पर कंटिन्यूस आएगा, और इनका कोशेंट भी रियल लाइन पर कंटिन्यूस आएगा, प्रोवाइडेड जो नीचे नंबर होगा एफ बाई जी अगर मैं बात करूँगा, जो जी है वो कहीं ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो उस हिसाब से अगर मैं लूँगा, हाँ और एक बात मुझे करनी है, वो ऊपर मैं पहले ऊपर पढ़ता हूँ मैं थोड़ा बहुत, चूंकि हमने पढ़ा साइन एक्स कॉस एक्स मॉड एक्स दे आर कंटिन्यूस फंक्शन, तो अगर साइन एक्स में कॉस एक्स ऐड करूँगा ये एक नई फंक्शन बनेगी, मगर ये कंटिन्यूस होगी बिकॉज सम ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। साइन एक्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा कॉस एक्स, वो भी कंटिन्यूस होगा बिकॉज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए एक कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, इनका जो प्रोडक्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो भी कंटिन्यूस होगा बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। लाइक वाइज साइन एक्स इज कंटिन्यूस, मॉड एक्स इज कंटिन्यूस, देयर सम एंड डिफरेंस विल बी कंटिन्यूस। मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, देयर डिफरेंस देयर प्रोडक्ट विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर। अब बात कीजिए आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट एक्स, हमने देखा इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो या एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स करो, वो बनेगा एक्स स्क्वायर, वो भी कंटिन्यूस होगा बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। सिमिलरली एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर, हायर पावर्स ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस। नेगेटिव पावर्स ऑफ एक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्स के पॉजिटिव पावर्स आएंगी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कॉन्स्टेंट फंक्शन वो कंटिन्यूस होती ही है, आप खुद प्रूव कर लो और देख भी लो। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, दैट्स कंटिन्यूस। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन होगी, हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो कंटिन्यूस बनेगी। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स पावर थ्री, एक्स पावर फोर, डॉट डॉट डॉट, हायर पावर्स ऑफ एक्स दे आर कंटिन्यूस, तो एक्स पावर एन भी कंटिन्यूस होगा, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, या हंड्रेड भी हो सकता है, एक्स पावर हंड्रेड भी कंटिन्यूस होगा, तो उसका अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगी। लाइक वाज एक्स पावर एन माइनस वन, ए इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, ए नॉट एक्स पावर एन एन, ए वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ए एन माइनस वन एक्स, ए एन, दे आर कंटिन्यूस फंक्शंस एंड दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। उसके बाद अगर मैं इनका सम करूंगा इन कंटिन्यूस फंक्शंस का, वो बनेगा ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ए एन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगी बिकॉज सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। आप देख लीजिए ऊपर ये कंटिन्यूस फंक्शंस थी, नीचे मैंने इनका सम ले लिया, तो सम ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। मगर आप अगर आप नीचे देखोगे ये कौन सी फंक्शन है, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो इज कंटिन्यूस एवरी, दैट्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो मैंने इसको जनरल में प्रूव किया है, तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूंगा, इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूंगा, इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो आप ये चीजें याद रखेंगे। होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर, टूडे इज लेक्चर। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स विद यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, देन आफ्टर वी विल गो टू द डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।